Hello students, I am Sunil Bisen, English language coach, and today I am going to narrate you Bringing Up Carrie. Yes, what is this Carrie? Carrie is an elephant, okay? It's an elephant. Bringing up का मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी को बड़ा करना, है ना, पाल पोस कर बड़ा करना. Suppose you have your parents have children at home and they avail all the food and clothes to all the children and they take care of them. This is called bringing up. Okay, so let us proceed and understand the story. So Carrie, who is Carrie? Carrie, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Carrie एक 5 महीने का छोटा सा एलिफेंट है जो एक 9 साल के अपने दोस्त के साथ में और कीपर के साथ में रहता है. कीपर मतलब जो उसकी देखभाल करते हैं. कैरी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे. कैरी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता है, लगभग 16 किलो स्वादिष्ट टहनियाँ वो एक दिन में खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, बड़ा ही मनमौजी है और बड़ा ही सेंसिटिव है. सेंसिटिव का मतलब होता है जिसकी फीलिंग्स है ना कैसी होती है उस पर कुछ असर पड़ता है ना, उसको दुख होता है, खुशी होती है ना, तुरंत होता है, तो इसे हम कहते हैं सेंसिटिव. कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग, कैरी ने एक बच्चे को डूबने से बचाया. कैरी द एलिफेंट वॉज 5 months old व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. कैरी एक 5 महीने का छोटा बच्चा सा था जब मुझे उसकी परवाह करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वो मुझे दिया गया था. आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो. मैं 9 साल बड़ा था, मेरी उम्र 9 साल की थी और मैं उसकी पीठ पर, अगर मैं अपने टिपटो पर, टिपटो मतलब अपने पैरों की उंगलियों के बल पर अगर मैं खड़ा होता तो आसानी से मैं उसकी पीठ पर चढ़ सकता था. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. उसे देखकर लगता था कि 2 साल से वो उतना ही ऊंचा है. वी ग्रू टुगेदर, हम साथ साथ बड़े हुए. दैट इज़ प्रोबेबली व्हाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. संभवतः है ना, प्रोबेबली का मतलब है संभवतः. यही कारण है कि मुझे कभी भी ये पता नहीं चला पाया कि वो कितना ऊँचा है. ही लिव्ड इन अ पैविलियन, पैविलियन का मतलब है जिस मंडप में उसको रखते थे या जिस खेमे में उसको रखते थे. एनिमल्स को रखने के लिए शेड की तरह बनाते हैं ना, एलिफेंट का थोड़ा बड़ा होता है इसलिए उसको पैविलियन कहते हैं. अंडर अ थैच्ड रूफ, जो कुछ झाड़ियों से बनाई हुई छत. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्स, जो पेड़ की टहनियों, पेड़ की बल्लियों से पे लगी हुई थी. गांव में जो झोपड़ियों जैसे बनाए जाते हैं मकान, कुछ इसी तरह से लकड़ी की बल्लियों को लेकर, ट्री स्टम्प्स को लेकर बनाए गए थे. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. बम्प का मतलब होता है कूदना, जबरदस्ती घुस जाना कहीं पर भी. सो इट कुड नॉट फॉल, ताकि वो गिरे नहीं. व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट, जब भी वो कूदता द पोल्स, पोल्स के अगेंस्ट में जब कूदता, ही मूव्ड अबाउट या जब वो इधर उधर घूमता तो वे पिलर बिल्कुल भी ना हिले, इसलिए वो ऐसा मंडप मजबूती से बनाया गया था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. पहली कुछ चीज़ें जो उसने करी जीवन में, उसमें सबसे पहली जो काम उसने किया वो क्या था, कैरी ने एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई. सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, एक लड़के के जीवन बचाया. कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर द लेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ.
कैरी ज़्यादा नहीं खाता था, पर वह इसके सिवा उसे 40 पौंड टहनी, 40 पौंड मतलब एक पौंड में होता है 40 किलो, ठीक है, ओ इफ आई एम रॉन्ग 400 ग्राम्स आई थिंक इन वन पौंड, तो पाउंड्स ऑफ ट्विक्स अ डे, 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स अ डे, तो 40 पौंड टहनी जो है वो रोज खाया करता था, ठीक है, एंड प्ले विथ, और उससे खेला भी करता था। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, रोज सुबह मैं उसे नहलाने के लिए लेके जाया करता था। ही वुड लाई डाउन ऑन अ सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम विथ द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो क्या करता था, लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, रेतीले किनारे पर लेटता था नीचे, जब मैं आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर, और नदी की साफ रेत से मैं उसको फॉर एन आवर, एक घंटे तक रगड़ता था, ठीक है। इसको क्लियर कर लेंगे, 40 पाउंड्स का मतलब है एक आदमी जैसा खाना खाता है जितना 40 आदमी का खाना वो अकेला खा सके इतना वो खाना खाता था, ऐसे समझ सकते हैं 40 पाउंड्स का मतलब, ठीक है। तो जब वो नदी के किनारे उसको लेके सुबह सुबह दोनों जाते थे, तो जो बच्चा बता रहा है वो कहता है कि मैं उसको साफ रेत रगड़ा करता था एक घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो पानी में बहुत लंबे समय तक लेटा करता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी, ठीक है, एबनी एक पेड़ की छाल होती है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चिकनी होती है। तो कह रहा है कि जब वो बाहर आता था तो उसकी चमड़ी काफ़ी चिकनी होती थी। ही वुड स्क्वील, वो चिंघाड़ता था, हाथी की आवाज़ सुनी होगी आपने ट्रम्पिट, तो वैसे वो करता था, आवाज़ करता था। विथ प्लेजर एज ए रब्ड वाटर फ्रॉम हिज बैक, जब मैं उसकी पीठ से पानी घिसता था या पानी से रगड़ता था उसकी पीठ को, तो वो बहुत ही खुशी से चिल्लाता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, और फिर मैं उसे कान पकड़ कर खींचता था, लेके जाता था, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका होता है हाथी को कंट्रोल करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लस्सियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, और क्या करता था, मैं उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। जब मैं जंगल में जाता था कुछ ज़्यादा टेस्टी टेस्टी टहनियाँ या पत्तियाँ उसके लिए लाने के लिए, फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए, वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विक्स, आदमी को बहुत ही एक लेके जाना पड़ता है, यानी अगर आपको जाना है जंगल जाना है कुछ टहनियाँ काटनी है, शार्प हैचेट, हैचेट का मतलब होता है पुरानी कुल्हाड़ी, टू कट डाउन दीज ट्विक्स, इन टहनियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही शार्प लेके जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही शार्प यहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर जाना पड़ता है, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी होता है, पहले बता दिया, क्योंकि इन टहनियों को काटने के लिए अगर इट टेक्स हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता है हैचेट को कुल्हाड़ी से काटने के लिए, है ना, हैचेट से काटने के लिए, क्योंकि अगर कोई जो ट्विग है या टहनी है वो अगर अच्छी तरह से नहीं काटी गई, ठीक है, इसका मतलब है, म्यूटिलेटेड का मतलब है टॉर्न ऑकवर्डली, मतलब ठीक तरीके से नहीं काटना, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, अगर ठीक से नहीं काटे तो एलिफेंट उसको खाएगा नहीं, ठीक है, तो फिर एलिफेंट खाएगा नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से काटना पड़ता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी, ये कैरी के लिए टहनियाँ और इस तरह से छोटे छोटे पौधे जमा करना आसान काम नहीं था,
आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. मुझे बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना होता था ताकि मैं बहुत ही कोमल, मोस्ट डेलिकेट यानी कोमल, टेंडर यानी बढ़िया नई, प्यारी प्यारी सी टहनियाँ तोड़ने के लिए मुझे बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बेनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. तो उसे बहुत ही कोमल कोमल टहनियाँ बनियान ट्री की यानी बरगद के पेड़ की कोमल कोमल टहनियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, जो कि कैसे कोई चर्च में कोई चर्च की तरह ग्रो होती है और ब्रांचेस शाखाओं की तरह ग्रो होती है. आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ को गैदर कर रहा था. वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी. एक स्प्रिंग का टाइम था, ठीक है. अभी स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च की बात है. व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मुझे अचानक आवाज़ आई कि कैरी मुझे कुछ दूर से बुला रहा है. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था. द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट. तो उसकी पुकारने की आवाज़ भी हाथी की कम, एक बच्चे की, छोटे बच्चे की तरह ज़्यादा लग रही थी. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा कि कोई ना कोई ज़रूर उसे कोई चोट पहुँचा रहा है, हर्टिंग हिम. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट. इसलिए मैं नीचे आया, अपने पेड़ से नीचे आया और मैं बहुत तेज़ दौड़ा जंगल के उस किनारे पर वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, पर वो वहाँ नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने सब तरफ देखा. बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, पर मैं उसे नहीं पाया, मुझे वो दिखाई नहीं दिया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वॉटर, मैं पानी के किनारे पर गया. एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग इज स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने देखा कि कुछ काला सा अभी पानी के सरफेस पे कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है निकलने के लिए. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज अ ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. अच्छा, फिर ये ऊंचा उठा और मुझे समझ में आया कि ये मेरे हाथी की सूंड थी. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम. और चूँकि मैं वहाँ पर कूद नहीं सकता था, एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम, और मैं उसका 400 pound बचा दूँ, ऐसा भी संभव नहीं था. सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ऊँचा था. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द विम मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पिट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. मैंने देखा कि उसकी पीठ उठ रही थी पानी से ऊपर, और जिस वो मोमेंट पे मेरी नज़र उसकी तरफ गई या उसने मेरे मुझे देख लिया, ही बिगेन टू ट्रम्पिट, उसने चिंगारना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया. एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और संघर्ष करते हुए किनारे के पास आने लगा. देन स्टिल ट्रम्पेंटिंग ही पुश्ड मी इन टू द वाटर एंड आई फेल इन टू द स्ट्रीम. और फिर मुझे अभी भी वो चिल्ला ही रहा था और उसने मुझे पानी में गिरा दिया, और फिर मैं पानी में गिर गया, झरने में गिर गया. आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. मैंने देखा कि नदी की गहराई में एक लड़का फ्लैट ऐसा सीधा लेटा हुआ है, यानी डूबा हुआ है. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज सम हाउ वॉट अफ्लोट. हालांकि उसने पूरी तरह से नीचे बॉटम को टच नहीं किया था, नदी के सीधे तलहटी में नहीं बैठा था, पर कुछ कुछ तरह से थोड़ा सा अपलोट था. अपलोट मतलब अभी भी तैर रहा था पानी में. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, और मैं पानी के सरफेस पे आया सांस लेने. एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग हिज फीट प्लांटेड इन सैंड बैग एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. मैंने देखा, मैं पानी के सरफेस पे जब सांस लेने आया तो कैरी वहाँ पर अभी भी खड़ा था. उसके पैर रेत के किनारे पर अच्छी तरह से धसे हुए थे, अच्छे से खड़े थे, जमे थे, और उसकी सूंड जो है अभी भी फैली हुई थी, जैसे कोई हाथ दे रहा है और मेरा इंतज़ार कर रहा है. आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय द पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस. फिर मैंने क्या किया कि मैंने
उस एक बार फिर से गोता लगाया और उस डूबे हुए लड़के के शरीर को मैंने सरफेस तक खींचा। बट नॉट बीइंग गुड स्विमर, क्योंकि मैं अच्छा स्विमर नहीं हूँ, उतना अच्छा तैराक नहीं हूँ, आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्नो द स्लो करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। मैं अच्छे से तैर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं उतना अच्छा स्विमर नहीं था और जो पानी का जो स्लो करेंट था, कम धीरे वाली जलधारा थी, तो वो पहले से मुझे खींच रहा था, ड्रैगिंग मी डाउन, नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, और हमको उस पानी की धारा में बहते हुए देखकर, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना। कैरी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस, कैरी जो कि हमेशा कैसा रहता था, स्लो रहता था, मतलब कोई भी एक्शन बहुत ही धीरे से करता था, ठीक है, एंड पॉन्डरस, और कोई भी काम विचार के करता था, सोच विचार के करता था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट स्ट्रंक अगेन। क्या किया, धीरे से नीचे आए, ठीक है, और उसने क्या किया, आधे रास्ते तक पानी में आ गया जहाँ पर मैंने उसके लिए उसका ट्रंक को पकड़ने के लिए फिर से हाथ फैलाया हुआ था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट, अच्छा उसने अपना ट्रंक बढ़ाया मेरी तरफ, अपनी सूंड, ये सूंड उसने मेरी तरफ बढ़ाई ताकि मैं उसे पकड़ सकूँ। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने उसे उसकी सूंड को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और वो स्लिप हो गया हाथ से। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, बट मैंने फिर से महसूस किया कि मैं पानी के अंदर फिर से जा रहा हूँ, परंतु हुआ क्या, दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो। अब इस समय मैंने क्या किया कि पानी में गया और पानी जो है ज़्यादा गहरा नहीं था और मैं बॉटम में नदी की गहराई में डूब गया और मेरा पैर जो है वो डबल, मैंने थोड़ा डबल पैर मारे और मैंने नीचे अचानक से एकदम नीचे रिवर बेड पे, यानी कि नीचे की नदी की नीचे की जो ज़मीन थी वहाँ पर पैर मारे अच्छी ज़ोर से। और इसी तरह से कैसे कि जैसे कोई शॉट जाता है, बॉल को मारते हैं और ऊपर कैसे उठती है, इसी तरह से जो है मैं भी ऊपर उठने लगा, जैसे कोई एरो होता है, जैसे कोई तीर ऊपर आता है, इस तरह से। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय, इस फैक्ट के बाद भी कि मैं उस डूबे हुए लड़के को पकड़ा हुआ है विथ माई हैंड, अपने हाथों से, एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, मैंने कोई ऐसा महसूस किया जैसे कोई आसपास फंदा हो, लेसो का मतलब कोई फंदा होता है जिसमें फंसा कर कोई चीज़ को खींचा जा रहा है, तो मैं जैसे ही बाहर आया मुझे लगा कि कोई फंदा मेरे गले के आसपास है। दिस फ्राइटन्ड मी, इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सेलो मी, मुझे लगा कि कोई पानी का जीव, पानी के अंदर रहने वाला कोई जीव मुझे खा जाने वाला है। आई हर्ड कैरी स्क्रीलिंग, मेरी मुझे आवाज़ आई कैरी के चिल्लाने की, कैरी यानी वो एलिफेंट की, एंड आई न्यू इट वॉज स्ट्रंग अबाउट माई नेक, और मैं जानता था कि ये उसी का ट्रंक था मेरे गले के आसपास। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और वो हम दोनों को किनारे पर खींचते हुए लेकर गया। कैरी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर। कैरी एक बच्चे की तरह था और उसे ट्रेन किया जाना, उसे शिक्षा दिया जाना बहुत ज़रूरी था, वो बहुत ही आवश्यक था टू बी गुड एंड हम, ताकि उसे अच्छे दे बनने की उसे शिक्षा दी जाए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं कहते कि वो शरारती है तो ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर, तो अगर ऐसा नहीं बताते तो वो हमेशा रोज की अपेक्षा, हमेशा की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही शरारत करता। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनाना स्वीट, किसी ने उसे खाने के लिए कुछ केले दिए एक दिन। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, बहुत ही जल्दी उसने क्या किया, उस पके हुए बनाना के लिए उसको जो है कुछ ज़्यादा ही प्रेम जागृत हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हमने क्या किया, इस तरह की बड़ी बड़ी प्लेट बनाई फलों की और टेबल के नीचे, एक खिड़की के, है ना, टेबल के पास में, एक खिड़की के पास में टेबल पर डाइनिंग रूम में। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, एक क्या हुआ, अचानक से खिड़की के पास में था टेबल, टेबल पर बहुत सारे फल हमने सजा के रखे हुए थे खाने के लिए, और जब देखा तो एक दिन वहाँ से फल ही गायब हो गए और मेरे फैमिली मेम्बर जो है सारे नौकरों को बोलने लगे कि भाई तुम लोग खा गए, है ना, किसको ब्लेम करने लगे, सर्वेंट्स को, है ना, सर्वेंट्स को, कि सारे फल खा गए घर में रखे हुए,
कुछ दिन बाद अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. एक दिन फिर कुछ दिन बाद फिर फल गायब हो गए. अब इस बार जो है सबने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया. ठीक है. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मैं तो जानता था कि मैंने ये नहीं किया. इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स. और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा हुआ. मैं अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा हो गया और अपने नौकरों पे भी गुस्सा हो गया. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. क्योंकि मैं इस बारे में निश्चित था कि उन्होंने सारे फल ले लिए हैं. कि उन्होंने फैमिली मेम्बर्स ने नौकरों ने उन लोगों ने खा लिया है. मैंने तो छुआ भी नहीं और मेरा नाम हो रहा है. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड. अगली बार में फल गायब हो गए. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पेविलियन. और मुझे सारे के सारे केले कहाँ मिले. ऐसे स्मैश की हुई या है ना ऐसे दबाए हुए पिचके हुए सब कहाँ मिले. कैरी के पेविलियन में कैरी की जो रहने की जगह थी वहाँ पर मिले. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. ये मुझे बहुत सरप्राइज किया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पर फल नहीं देखे और वो हमेशा अभी तक के टहनियाँ खाकर ही रह रहा था. नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम. जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल. ये सोचकर कि मैं टेबल पर से कुछ फल लू या नहीं. विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नैक. मेरे पेरेंट्स की परमिशन के बगैर बहुत ही लंबा काला सा एक सांप की तरह कोई चीज सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विथ ऑल द बनानास. अचानक से कोई बड़ा सा काला सा सांप सा खिड़की से आया और सारे के सारे केले गायब हो गए. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास. आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. मैंने इस तरह का सांप मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया. मैं ना डर गया. ठीक है. क्यों डर गया. क्योंकि मैंने इसके पहले कभी सांप नहीं देखे थे कि जो बनाना खाते हो या केले खाने वाले सांप तो अभी तक नहीं देखे थे. और मुझे लगा कि ज़रूर ये कोई बहुत भयानक सांप होगा जो कि अंदर घुसकर फल ले जा रहा होगा. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस. फिर भी मैंने बहुत सारा मैं जल्दी जल्दी से सरकते हुए कमरे के बाहर चले गया. और काफ़ी डर भी था मुझे. विथ ग्रेट फियर काफ़ी डर था मुझे मेरे दिल में. और मैं दौड़ते हुए बाहर चला गया घर से फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस. ये निश्चित रूप से मैं महसूस कर रहा था कि सांप घर के अंदर आएगा ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. कि वो सारे के सारे फल खाएगा और हम सबको मार डालेगा. एज आई वेंट आउट आई सॉ कैरीज बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. जैसे मैं बाहर गया मैंने देखा कैरी की पीठ जो है वो गायब हो गई. इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन है ना. वो किस तरफ जा रहा था. पेविलियन की तरफ जाते हुए दिखा और वहाँ से गायब हो गया. मैं बहुत डर गया. क्या डर गया कि भाई मैं तो उसकी कंपनी चाहता था कि चीयर मी अप ताकि वो मुझे खुश करे क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. फिर मैं उसके पेविलियन के पास गया जहाँ पे वो रहता था और देखा फिर वहाँ पे वो केले खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. मैं स्थिर खड़ा रहा. स्टिल का यहाँ पर मतलब स्थिर. एस्टोनिश मतलब आश्चर्य. तो मैं आश्चर्य के साथ स्थिर खड़ा रहा. द बनानास वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल. और केले जो है सब तरफ छितरे हुए बिखरे हुए थे अराउंड हिम. उसके सब तरफ बिखरे हुए थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. उसने अपनी सूंड को बाहर फैलाया और थोड़ा एक चीज़ के लिए काफ़ी दूर पहुंचा. फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग जहाँ वो खड़ा था. दैट इंस्टेंट है ना. उस क्षण पे द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक. जो सूंड थी वो कैसी लगती थी. एक काले सांप की तरह लगती थी. एंड आई रियलाइज दैट कैरी वॉज द थिफ. और मैंने रियलाइज़ किया कि कैरी जो है वो एक चोर था. आई वेंट टू हिम पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर. मैं उसके पास गया. पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर. उसको कान पकड़ के खींचा एंड जॉयसली शोड माय पेरेंट्स. और बड़े आनंद के साथ मैंने अपने पेरेंट्स दिखाया दैट इट वाज कैरी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मेनी वीक्स. फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई मैंने फल नहीं खाए थे अभी तक. ये कैरी ने फल खाए थे. जितने भी फल खाए थे अभी तक कैरी ने खाए थे इतने सप्ताह से.
देन आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा. फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन, क्योंकि एलिफेंट्स भी वैसे ही समझते हैं आपकी बातों को, आपकी भाषा को, जैसे बच्चे समझते हैं. एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड. ठीक है, विप का मतलब होता है कोड़े लगाना, हाँ, तो या चाबुक से लगाना. तो उन्होंने कहा, किसको, बॉय, लड़के ने कहा कैरी को, कि अगली बार तुमको मैंने केले खाते देखा और मैंने तुमको कोड़े लगाए, समझ लेना. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम, उसे वह जानता था कि हम सब उससे नाराज़ थे. इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी नाराज थे. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम एंड, ठीक है, फ्रॉम देम ऑन. फिर वो, उसको इतना उसकी डिग्निटी को ठोस लगी, ठीक है, उसको पता था हम सब उससे गुस्सा हैं. उसका प्राइड, उसका गौरव को इतना इंजर हुआ, इतना तकलीफ पहुंची कि उसने दोबारा कभी कोई भी चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से, और उसके बाद से कभी भी. इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, कोई भी अगर उसको फल देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, वो हमेशा चिंघाड़ता या कुछ बोलता जैसे कि उनको थैंक यू बोल रहा हो. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक हाथी भी जो है वो चाहता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उससे सज़ा मिले. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, ठीक है. पर अगर आपने कुछ गलत किया है, हाथी को कोई तकलीफ पहुँचाई, तो वो उस चीज़ को भी याद रखता है और तुम्हारी तरह से जैसे तुमने उसको परेशान किया उसी तरह से तुम्हें भी वो नुकसान ज़रूर करेगा, ठीक है. कितनी अच्छी बात है, देखो. An elephant must be taught when to sit down. हाथी को ये ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठें, when to walk, कब चलें, when to go fast, कब तेज चलें, and when to go slow, और कब धीमा चलें. You teach him these things as you teach a child. तुम उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाते हो, ये चीज़ें सिखाते हो जैसे कि तुम कोई बच्चे को सिखा रहे हो. If you say that and pull him by the ear, अगर तुम उसे that कहते हो और कान पकड़ कर खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली इफ़ यू से माली, अगर इसी तरह से आप माली कहते हैं एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड और उसकी सूंड को आगे खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वह धीरे से समझ जाएगा कि ये चलने के लिए सिग्नल है उसको, ठीक है. फिर आगे देखते हैं. कैरी लर्न्ड माली आफ्टर थ्री लेसन्स, तीन लेसन्स पढ़ाने के बाद कैरी माली शब्द सीखा. बट इट टुक हिम थ्री वीक्स टू लर्न दैट, पर दैट सीखने के लिए उसे तीन सप्ताह लग गए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्यों एक हाथी को बैठना सिखाया जाना ज़रूरी है. बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर, क्योंकि वो और ऊंचा होते ही जाता है. देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, किससे ऊंचा होते जाता है, तुम्हारी अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा होते जाता है जो कि तुम उसकी देखभाल करते हो. सो दैट व्हेन ही इज़ टू और थ्री इयर्स ओल्ड, ताकि जब तुम दो और तीन साल बड़े हो, ठीक है, या दो तीन साल बाद ऐसा होगा कि यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ लैडर, उसकी पीठ पर अगर आपको चढ़ना है तो आप सिर्फ सीढ़ियों के सहारे पहुंच सकते हैं. इट इज़ देयर फोर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट टू थैंक यू सो दैट यू, तो इसलिए अच्छा है कि उसको बैठने के लिए सिखा दो. आप दैट बोलो तो बैठ जाएगा. सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि तुम उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाओ. फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, कौन चाहेगा भाई कि हमेशा सीढ़ी ले लेकर घूमता रहे. सब तरफ सीढ़ी लेकर तो आप घूम नहीं सकते. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, सबसे कठिन चीज़ जो होती है कि एलिफेंट को सिखाने के लिए, इज़ द मास्टर कॉल, है ना, कि मालिक बुलाए और वो आए ऐसे. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, उसे सामान्यतः 5 साल लगते हैं उसको ठीक से सीखने के लिए. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग,
मास्टर कॉल होता है, एक अजीब तरह की हिसिंग साउंड होता है, हाउलिंग साउंड होता है ना, कुछ चिल्लाने का साउंड होता है, एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कोई सांप और कोई टाइगर आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह की आवाज़ करनी होती है उसको बुलाने के लिए। एंड डू यू नो वाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और क्या आपको पता है कि आप एक हाथी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं जब आप उसे मास्टर कॉल बोलें, है ना, या मालिक के तौर पर आप उससे बुलाएं। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देर इज़ नो वे आउट, अगर आप जंगल में खो गए हैं और कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब कुछ जैसे आसमान में तारे हैं उनको छोड़कर बाकी सब कुछ काला है, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आपकी हिम्मत नहीं होती कहीं पर आप ज़्यादा देर ठहरे। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तो तब आपको क्या करना है, बस मास्टर कॉल देना है, मतलब हाली हाथी को इस तरह से पुकारना है। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और हाथी क्या करेगा, तुरंत एक पेड़ ही खींच के ला लेगा अपनी, है ना, आपके सामने जो भी मांगलिक बुला रहा है उसके सामने, और अपनी सूंड में लेकर आ जाएगा, अपनी सूंड को, सूंड के साथ में वो एक पेड़ फंसा के ले आएगा। दिस फ्राइटन्स ऑल दी एनिमल्स अवे, और इससे अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आप जानवरों के बीच में फंस गए, ठीक है, तो उससे दूसरे जानवर भी डर कर भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे पेड़ नीचे गिरता है, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर भी अपनी नींद से जागते हैं, एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है, और फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर दौड़ते हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ते हैं। देख लीजिए कितना भयंकर तरह से पेड़ को तोड़ा हुआ है। तो हाथी ऐसे करते हैं, तो बहुत जो सीधे लोग होते हैं वो उनका उनको गुस्सा आता है तो वह ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप ये मूनलाइट में, चांद के प्रकाश में आप देख सकते हैं बंदरों को इस तरह की हरकतें करते हुए, और आप लगभग स्टैग्स, है ना, स्टैग्स मतलब बारह सिंगा, ठीक है, तो बारह सिंगा को भी आप देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल, और देख सकते हैं कि जितना जो हिरन है, स्टैग्स का मतलब है बारह सिंगा क्या, एक प्रकार का हिरन है, तो अब सारे के सारे जो है ना वो हाथी की आवाज़ को सुनकर, उसकी हरकतों को देखकर सब भागने लगते हैं। द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और दूर से टाइगर की भी जो चिंगाड़ने की या चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोरिंग साउंड जो आता है, गुर्राने की आवाज़ आती है, इवन ही इज़ फ्राइटेंड, वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, तब हाथी क्या करता है, दूसरा पेड़ उखाड़ के फेंक देता है, एंड द नेक्स्ट, फिर तीसरा, एंड द नेक्स्ट, फिर चौथा, सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, तब आप देखेंगे कि वहाँ से जंगल से होकर पूरा आपके घर तक के उसने, है ना, रास्ता बना दिया पेड़ों को खोद खोद कर, ठीक है। तो धन गोपाल मुखर्जी का लिखा हुआ, मुखर्जी फ्रॉम कैरी द एलिफेंट, ठीक है, यहाँ से ये लिखा गया है। आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी, एन्जॉयड द नरेशन, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज़ विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सरसाइजेज। Thank you. Have a great time.